संडे होते ही मटन लाना है। काम पर जाता था तब भी ये मेरा काम था और अभी भी ये मेरा ही काम है। कुछ बातें जिंदगी में कभी नहीं बदलती। उस जमाने में कम से कम कोई तो मुझ पे लाइन मारती थी, लेकिन अब तो जरा हमारे घर के लिए भी मटन ले आना। टाटा। आपके क्रेडेंशियल्स तो अच्छे हैं, लेकिन जहाँ आप काम करते थे उस कंपनी को आपकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। सो आई थिंक आई कांट डू मच। आई मिस दिस सो मच। ओए रघुवरन, कैसी हैं आप? अच्छी तो है ना? क्यों, काम नहीं मिला तो सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दी? हाँ मैडम, काम तो नहीं मिला लेकिन घर पहुंचने की देर है, पेट भर खाना खिलाने वाली है वहाँ। दबा के खाने के बाद घोड़े बेच कर सो जाता हूँ मैडम। मैडम, खाना खाने के बाद दोपहर को सोने में जो सुख है ना, बयां नहीं कर सकता। फिर मैं शाम को उठ जाता हूँ मैडम और चुपचाप बैठा रहता हूँ। उसके बाद मेरे वीआईपी लौंडे आते हैं तो उनके साथ मस्ती मारने निकल पड़ता हूँ। मैडम, बिना कुछ किए रहना भी अपने आप में एक टैलेंट है मैडम, सबके बस की बात नहीं है। आपसे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सुबह होते ही ऑफिस जाना है, फिर क्या क्या करना है ये सोचना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है ये सोचना है, दूसरों के प्रोजेक्ट को कैसे छीनना है ये सोचना है, और मुझ जैसे इनोसेंट आदमी को कैसे बर्बाद करना है ये भी सोचना है। बहुत मुश्किल काम है। पल भर का भी चैन नहीं होगा ना मैडम? मेरा रूट तो क्लियर है मैम, जेब भी खाली दिल का बोझ भी खाली, तो चलो असो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वीआईपी वेला एडियोटिक पर्सन कहाँ है? ओह माय गॉड, भूल गया शालू, बेकार हूँ ना, अभी जाकर ले आता। जिन आँखों से प्यार बरसता था अब आग बरसती है। अरे मैडम, आइए ना मैडम। सर, आइए सर। हेलो सर। शालू, ये सब हटा दो। हेलो शालू। आइए सर। शालू, मैं पति हूँ और तुम पति। बैठिए बैठिए। ये क्या रघुवरन, ऑफिस आना ही छोड़ दिया? बस ऐसे ही हमसे मिलने आ सकते हो ना, राजमोहन जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं मैडम, वो बस ऐसे ही। व्हाट बेबी, यू मिस मी? यस बेबे, टी स्टॉल का उधार कौन चुकाएगा? कब तक ऐसे बैठे रहोगे, कोई और नौकरी क्यों नहीं ट्राई कर लेते? सही है मैडम, ट्राई तो कर ही रहा हूँ, जॉब कोई भी सेट नहीं हो रही है। पता नहीं सिर्फ मुझे ही कहाँ से दुश्मन मिल जाते हैं, जबकि मैं तो अपने काम से काम रख रहा था। सुनो रखो, जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझो तुम उनके आगे हो। सही मायने में यही तरक्की की असली निशानी। दुश्मन तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। वाह, क्या पंच डायलॉग है, इसे ऑटो के पीछे भी चिपका सकते हैं। आपका ड्रीम यही ना कि वीआईपी ग्रुप के बॉयज के साथ खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की जाए? उसके लिए कोशिश करते रहो, लोन ले लो, अपने रामकुमार साहब भी मदद करेंगे। स्टार्ट द कंपनी। जब भी मैं अपना रास्ता भूलकर अंधेरों में भटक जाता हूँ, मेरी माँ किसी ना किसी रूप में आके गाइड करती है। लो, फिर शुरू हो गया माँ का सेंटीमेंट। शालू, तू कहाँ? हम भी चलते हैं। मैडम, ये क्या, आप भी? भाई साहब, वो ग्लास। कहाँ कहाँ नजरें हैं इनकी? I love you, माँ। मैं वाकई आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो फिर कीजिए ना सर। सर, आप चुप रहिए ना सर। लेकिन किस भरोसे पर मैं आपको लोन दे दूँ? आपने जिस रकम की मांग की है उसके आधे के भी आप एलिजिबल नहीं हो। मायूस ना हो रघुवरन, इनके अलावा और भी बैंक है। मैंने सभी लड़कों से बात की है, सभी ने अपने घरों से कुछ पैसे लाने का वादा किया है। हम सब मिलके पैसे इकट्ठे करेंगे और एक कंपनी शुरू करेंगे। रघु, सब लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो भी टोटल अमाउंट का 20% भी नहीं बनेगा, और वैसे भी सब लोग कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? अपने जेवर, घर, गाड़ियों को गिरवी रख के? इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझमें। ए, उठो कहीं और जाओ। अरे जाओ ना, आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। जाओ जाओ, बैठो बैठो। छोड़ना है? क्या बात है सर? मैं बहुत अच्छा। रघुवरन, इसमें 13 लाख रुपए है, ये मेरी सेविंग्स है, मैं बस इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। सॉरी बॉस, मैंने तुमको गलत समझा। हटना पीछे। सर नहीं सर, ये आपकी जिंदगी भर की कमाई है, इसे मैं ऐसे दांव पर नहीं लगा सकता। ये नहीं सर, आपकी बीवी बुरा मान जाएगी। पैसे वापस ले गया तो बुरा मान जाएगी। मिस्टर रघुवरन? मेरा नाम बालाजी है। हाँ बोलो। आपसे मिलने के लिए आपके घर गया था तो वहाँ पता चला कि आप यहाँ हैं। ये बात है। ए, तू वहाँ से हट जा। अरे कोई आप आइए बैठिए। जब आपको दिल्ली में इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था तब मैं वहीं पर था, और पिताजी की कंपनी में आपको हायर भी करना चाहता था।
लेकिन पता चला आपने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन के ऑफर को ही टर्न डाउन कर दिया। अब आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की कोशिश में हैं ये सुनने में आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर कोलैबोरेट करूँ। हम आगे कैसे बड़े समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे साथ मिलकर क्या करेंगे? तुम्हारा क्या है भाई, पैसे वाले बाप के बेटे हो। लेकिन हम लोग पिताजी के शैडो से बाहर आने के लिए मैंने अपने खुद के 50 लाख रुपए जमा किए हैं। सेम अमाउंट अगर आप भी लाएंगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अरे सर, यहाँ हमारी चाय की भी उधारी चलती है, इतने पैसों के लिए हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो पूरा पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी या गारंटी आप ला सको तो। सर, बैंक वाले भी यही पूछ रहे हैं। बात यह है कि दोनों के नाम से कंपनी रजिस्टर करनी है, तो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना। फेंक दे सकते, क्या परेशानी है तुझे? नहीं माँ, नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए कुछ कोलैटरल मांग रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ ये घर ही है। तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है माँ, यहाँ तुमने जीवन गुजारा है, इसी घर में तुम रहती हो। रघु, जहाँ मैंने जीवन गुजारा और जहाँ मैं आज भी रहती हूँ, वो घर वहाँ नहीं, यहाँ है। चल जा। इसमें इतना क्या सोचा? जब कार्तिक को जॉब के लिए डिपॉजिट की जरूरत थी तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर इंतजाम किया ही था ना, तेरे लिए भी मेरा फर्ज बनता है। तेरी कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तब घर के साथ खुशियां भी लौट आएंगी। कर ले बेटा, कर ले। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने सर कैसे लूंगा? पापा तो बहुत आसानी से बोल के चले गए। कहीं बुखार बुखार तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों? नहीं, हमेशा नॉनस्टॉप बोलती रहती हो और अचानक साइलेंट हो गई हो, तो मैं डर रहा था कि कहीं। दरअसल सोच रही थी तुम्हें दूसरी नौकरी मिलने तक कार्तिक की कमाई पर ही घर चलाना पड़ेगा। मैं भी क्लिनिक जाऊंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे संभालोगे बताओ? क्या सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए मैंने MDS किया था? मैं भी बोर हो रही हूँ, मैं क्लिनिक जाऊंगी। चश्मा भी मुझे ही साफ करना पड़ता है, इस पर पूरे फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा। मैं शराफत से काम करके घर चला रहा था तब मुझ पर टूट पड़ती थी, और अब हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं तो प्यार जता रही हो। मैंने तो उस रघुवरन से प्यार किया था जो बेरोजगार था, वो रघुवरन ही मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों परेशान हो रहे हो यार? अरे कंपनी शुरू होके कुछ ही दिन तो हुए हैं, अरे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वेट करो यार। कंपनी खोलने का लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन प्रोजेक्ट कहां से मिलेंगे? Bunch of fools. मार मार मार, बस एक रन चाहिए। इस तरफ मार, इस तरफ मार। अरे मार। आउट 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 आउट। बाहर जा, बैठ के बाहर जा। लाइन के बराबर पैर। हेलो। VIP कंस्ट्रक्शन। आउट है, चल चल। हाँ सर, ये VIP कंस्ट्रक्शन ही है। मेरा नाम प्रकाश है। एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। एड्रेस और टाइम सेंड करता हूँ। फौरन आ सकते हो? आता हूँ सर, आता हूँ। अभी पहुँच जाऊँगा। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। मैं उसमें एक थीम पार्क बनाना चाहता हूं जहां छुट्टियों में सब लोग एंजॉय कर सकें। मैं जानता हूं कि ये स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट आपने किया है। ये भी जानता हूं कि आपने खुद की कंपनी भी शुरू की है। ये आपकी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट होगा। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे और इस प्रोजेक्ट को एक अच्छा अंजाम देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। क्यों भाई, इमोशनल हमेशा की तरह मुझे भगा रहे हो? ठीक है, जाता हूँ। लव यू भाई। तोड़ दे राजा, तू सब पाले राजा, लोगों से है मिला ये दम, हिल धरती जो बढ़े कदम, हर खेल एक चुनौती है,
संघर्ष अब करेंगे हम इन दलालों को। यहाँ पर रोड ब्लॉक है, घूम के जाओ। सर हमारी साइट पर जाने के लिए शॉर्टकट है। हमारी साइट पर जाने के लिए ये रूट भी है क्या? अच्छा सुनो, इस झील से हमारी साइट कितनी दूरी पर है? कुछ 2 किलोमीटर होगा सर। 2 किलोमीटर? जी हाँ सर। अरे ये बात अब तक मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? इस रूट के बारे में मुझे भी अभी अभी पता चला यार। ये MMRDA का अपडेटेड प्लान है ना? हाँ भाई अपडेटेड है। हाँ बोलो भाई। हाँ भाई मैं साइट पर ही हूँ। सर आप किधर हैं भाई? हाँ रघुवरन। हाँ हाँ ये सॉइल लैब में टेस्ट के लिए भेजिए। ओके। सुनो भाई, सभी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट लेकर अप्रूवल भी ले लिया है, तुम लोग अपना काम चालू रखो। ठीक है भाई ठीक है। हाँ भाई सॉइल टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये जमीन ओपन स्पेस रिक्रिएशनल एरिया में नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रेरी डिजास्टर जोन में है। बारिश के वक्त अगर झील को खोलना पड़ा तो सबसे पहले इसी एरिया में बाढ़ आएगी। वैसे भी मार्शलैंड में बिल्डिंग बनाना है तो बजट 10 गुना बढ़ जाएगा। तब भी थीम पार्क बनाने में रिस्क है रघु। ये सब जाने बिना हमने नॉर्मल बजट दिया है। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन मेरा जमीर नहीं मान रहा। तुम बिल्कुल सही हो रघु। हम तुम्हारे साथ ओवरनाइट उद्योगपति बनने के लिए या करोड़ों कमाने के लिए नहीं आए। अभी तुमने एक बात कही ना, जमीर उसके खातिर आए। नहीं लेकिन रघुवरन, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी करोगे सही करोगे, हमें भरोसा है। और तुम भूल रहे हो इतने सारे यूथ तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। मौका मिलते ही खुद को भी जवान मानने लगा है। ए, मुझे जवान मानने के लिए मौके की जरूरत नहीं है, मैं पैदाइशी जवान हूँ। तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं तो कंपनी आगे कैसे चलेगी यही सोच रहा हूँ। तुम सब बिना तनख्वाह काम करते हो इसलिए ठीक है। सब निकम्मे बनकर घूम रहे हैं। शांत कब तुमने भरा मार्ग सुन ना तेरे साथ।